आरा रेगिस्तान को लेकर आपने अभी तक सिर्फ इतना ही सुना होगा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। क्षेत्रफल में ये यूरोप के लगभग बराबर और भारत के क्षेत्रफल के दोगुने से भी अधिक है। अगर इससे परे इस रेगिस्तान से जुड़ी कोई और जानकारी आपसे मांगी जाए तो आप शायद बता भी ना पाए। तो चलिए आज इस रेगिस्तान से जुड़े कुछ रहस्य हम आपको बताते हैं। इस रेगिस्तान का एक रहस्य है एक विशालकाय नीली आंख। सुनकर चौंक गए ना? आप सोच रहे होंगे कि रेगिस्तान की आंख कैसे हो सकती है, लेकिन जिस आंख के बारे में हम बात कर रहे हैं उसे उस रेगिस्तान की ही आंख बताया जाता है। दरअसल ये एक अद्भुत कलाकृति है। ये किसी इंसानी आंख की तरह देख तो नहीं सकती, लेकिन दिखने में ये किसी आंख जैसी ही नजर आती है। ये अद्भुत कलाकृति अंतरिक्ष से साफ नजर आती है। इस आंख की एक खास बात यह है कि ये अपने भीतर राज छुपाए हुए है। जी हां, अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान के बीचों बीच बना 50 किलोमीटर लंबा चौड़ा रिचर्ड स्ट्रक्चर रहस्यों से घिरा है कि इसे कब, क्यों व किसने बनाया। अगर हम ये सोचते हैं कि इसे इंसानों ने बनाया होगा, तो क्या उस समय इंसानों के पास इतनी बेहतर टेक्नोलॉजी थी जो हमें सोचने को मजबूर करता है? वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इसे एलियंस ने बनाया होगा। तो दोस्तों, आपका क्या सोचना है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। रहस्यमय ढंग से सहारा रेगिस्तान का दायरा बढ़ता व घटता रहता है। हालांकि वैज्ञानिक भाषा में इसके पीछे ग्लोबल वार्मिंग को मुख्य कारण माना जाता है। बताया जाता है कि 100 साल में रेगिस्तान का क्षेत्रफल 9 लाख वर्ग किलोमीटर तक बढ़ा है। आप अभी तक सिर्फ यही जानते होंगे कि यहाँ सिर्फ रेत के टीले देखने को मिलेंगे, तो आप गलत हैं। जी हाँ, दुनिया के सबसे गर्म रेगिस्तान सहारा में बर्फबारी भी होती है। सहारा का प्रवेश द्वार माने जाने वाले उत्तरी अल्जीरिया के एन सफेरा में लाल रेत पर जब सफेद बर्फ गिरती है तो वहां का नजारा बेहद खूबसूरत हो जाता है। लाल रेत पर सफेद चादर बेहद सुंदर लगती है। कहा जाता है कि कई बार यहां 16 इंच तक बर्फबारी हो जाती है। सहारा रेगिस्तान कहां है? तो ज्यादातर लोगों का जवाब होता है कि ये अरब देश में है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि सहारा रेगिस्तान 11 देशों से लगती है? दरअसल सहारा रेगिस्तान का क्षेत्रफल है ही इतना बड़ा। सहारा मरुस्थल का क्षेत्रफल लगभग 92 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कहते हैं ना, प्रकृति कभी कभी चमत्कार करती है। ऐसा ही एक चमत्कार सैकड़ों साल पहले सहारा में हुआ था, जब कुछ भूगर्भीय गतिविधियों के कारण जमीन की गहराइयों से पानी सतह पर आकर इकट्ठा हो गया और एक तालाब का रूप ले लिया। ऐसे तालाब भूगर्भीय भाषा में ग्वेल्टा कहलाते हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि ये कभी सूखते नहीं है। इनमें जमीन से सीमित मात्रा में जल निरंतर आता रहता है। सहारा में स्थित इस ग्वेल्टा का नाम ग्वेल्टा दी आर्चेई है। यहाँ हर दिन रास्ते से गुजरने वाले ऊँटों के काफिले पानी पीने और आराम करने आते हैं। सैकड़ों सालों से ऊँटों द्वारा लगातार मल मूत्र किए जाने से पानी का रंग काला हो चुका है। एक और बड़े आश्चर्य की बात ये है कि इस सुदूर वीराने में स्थित इस ग्वेल्टा में नील मगरमच्छ भी रहते हैं। सहारा में 5000 साल पुराने कब्रिस्तान में एक औरत की अस्थियां मिली, जिसे उसके दो बच्चों के साथ दफनाया गया था। इससे साफ है कि सहारा में कभी जीवन भी था। शोधकर्ता तो यहां तक बता रहे हैं कि सहारा रेगिस्तान पहले हरा भरा और उपजाऊ था। हाँ, तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही दिलचस्प वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। अगली वीडियो आप किस विषय पर देखना चाहते हैं ये भी जरूर बताना। जिस विषय के बारे में सबसे ज्यादा कमेंट मिलेंगे, अगली वीडियो उसी पर आएगी।